हमारे साथ मौजूद है योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज। महाराज जी, वर्तमान में एलोपैथिक पे धीरे धीरे विश्वास उठ गया, कोरोना के बाद में योग और आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है, योग को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए? योग खाली एक्सरसाइज नहीं है, योग खाली सूर्य नमस्कार नहीं है, योग खाली व्यायाम नहीं है, योग खाली प्राणायाम ध्यान नहीं है। योग एक बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही प्रामाणिक, व्यवहारिक, सार्वभौमिक, साइंटिफिक, यूनिवर्सल, ऑथेंटिक एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग है। और जो योग करेंगे उनके जीवन में कोई रोग नहीं होगा, कोई नशा नहीं आएगा, उनके जीवन में दुख दारिद्र्य नहीं होगा, क्योंकि योग और कर्मयोग करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि होती है। तो योग को अब पूरी दुनिया इसलिए स्वीकार कर रही है कि क्योंकि सबको स्वास्थ्य चाहिए, सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, जीवन में प्रसन्नता, हैप्पीनेस चाहिए, और ये सारी चीज़ें योग से मिलती हैं। इसलिए सारी दुनिया अब योग की ओर लौट रही है, लौटेगी, और योग धर्म के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है और बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। वर्तमान में युवा पीढ़ी मोबाइल की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण वो सामाजिक संस्कार और शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रोग हो गया, सोशल मीडिया का एडिक्शन। और उससे क्या हो रहा है, उससे युवाओं को आँखों की बीमारी हो रही है, दिमाग की बीमारी हो रही है, उससे एक मानसिक बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं। ज़्यादा मोबाइल का यूज करने से वो अलग अलग प्रकार के गलत दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, और पूरी एक अश्लीलता को कंज्यूम करते हैं, और उससे उनके जीवन में बहुत तरह के दुर्विकार, दुर्वासना है, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं और अलग अलग प्रकार के भौतिक आकर्षण और प्रलोभन वो उनके अंदर पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह से ये विदेशी षड्यंत्रों के कंज्यूमर तो कम से कम नहीं बनना चाहिए, हम भोगवाद के, उपभोक्तावाद के हम शिकार ना हों, ये तो युवाओं को ध्यान रखने की जरूरत है। भगवान श्री राम मंदिर का वर्ष 2024 में लोकार्पण होगा, किस तरह देख रहे हो सर? हाँ, ये गौरव का पल है, जब अपने पूर्वजों का, अपनी संस्कृति का, अपने स्वाभिमान का हम क्षण देखेंगे कि हम सनातन धर्म का, अपनी सनातन संस्कृति का बहुत तिरस्कार होता हुआ हमने देखा, अब ये सनातन धर्म के गौरव का युग है, गौरव का पल है, और इसमें सबको एक भारतीय होने की, सनातन धर्म में होने की एक गौरवानुभूति है। ये थे हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने कहा कि युवाओं को मोबाइल से दूर रहकर सामाजिक संस्कार और शिक्षा ग्रहण करने चाहिए, जिससे भारत की भविष्य की पीढ़ी और मजबूत हो सके और देश विकसित की श्रेणी में और आगे बढ़ सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ETV भारत, भीलवाड़ा।